हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजीव। वी केयर वी शेयर में आपका स्वागत है। आज मैं बात करना चाहूँगा स्टूडेंट से स्पेशली, क्योंकि मैंने शेयर किया था कि जैसे मैं खुद भी फैकल्टी हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ जो लोग MBBS कर चुके हैं और MD की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ भी मैं शेयर करता हूँ और मैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ जो 10th के बोर्ड दे रहे हैं, 12th के बोर्ड दे रहे हैं, ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या लाइफ के किसी भी फेज़ में ये प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है। बेसिकली होता क्या है, ऐसे मान लीजिए आपका, मैं अगर MBBS का उदाहरण दूँ, आपका मन है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तो ये है दूर का विजन। और राइट नाउ आज क्या कर सकते हैं हम उस विजन के लिए कोई एक्शन, या जैसे आज क्या कर सकते हैं हम उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी। लेकिन तैयारी करना ना बहुत बोरिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ऐसे लगता है ज़िंदगी से हम कट गए हैं और हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होते। ऐसे ह्यूमनली हमारे लिए 4 से 6 घंटे पढ़ना तो पर डे फिर भी कंफर्टेबल है, बट जब 10, 12, 13 घंटे की बात आती है तो ऐसे लगता है जैसे दिमाग भारी हो गया है और ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम इसको कैसे काउंटर करें। अब इसमें सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हमें ना हर एक्शन के साथ एक रिवॉर्ड जोड़ देना चाहिए। कि सपोज़ क्या होना चाहिए कि जैसे आपने दिन भर में अगर अच्छी पढ़ाई कर ली है आज, तो आज भी आधा घंटा आपको इन्जॉय ज़रूर करना चाहिए। चाहे वो आधा घंटा आप डांस करके करें, चाहे आप गाने सुन के करें, चाहे आप कोई मैगज़ीन पढ़ के करें, जो आपका मन करता है वो करें। क्योंकि क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है, हम ना इमोशंस के हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। नहीं तो हमें किताब देखते ही सर दर्द होने लगता है, किताब देखते ही नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे इमोशंस के जुड़े हुए हैं किताब के साथ कि अब तो पढ़ना पड़ेगा, अब तो बड़ा मुश्किल होगा, अब ये होगा वो होगा। अगर ये होगा कि अब ये काम कंप्लीट कर लिया तो हमें ये रिवॉर्ड मिलेगा, ये काम कंप्लीट कर लिया तो हमें ये रिवॉर्ड मिलेगा या ये खुशी मिलेगी। तो इसलिए डेली बेसिस पे भी जितना भी मुश्किल एग्ज़ाम आप तैयार कर रहे हो, आधा घंटा या 1 घंटा आपको ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए। और अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं या उस तो आपको ज़रूर 1 घंटा इन्जॉय करना चाहिए, और वो भी आधा घंटा दिन में और आधा घंटा बाद में, जैसा भी आप फॉर्म में इन्जॉय करना चाहते हैं। उसी तरह जब आपने मान लीजिए हफ्ता भर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा आधा दिन आप इन्जॉय कीजिए। जैसे संडे को मान लीजिए या मंडे को मान लीजिए, तो आधा दिन में आप मूवी देखना चाहते हैं तो मूवी देखने जाइए, जो फ्रेंड्स जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है उनसे मिलना चाहते हैं उनसे मिल के आइए, घूम फिर के आइए। क्योंकि ताकि आपको लगे कि इस हफ्ता मैं ढंग से पढ़ लूँ तो मेरे पास कुछ है। क्योंकि इंसान बहुत लॉन्ग टर्म विजन के लिए बना नहीं है, अगर वो शॉर्ट टर्म में खुशियाँ नहीं जोड़ता है तो बोरिंग और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और वैसे भी आप जब आप लगातार पढ़ाई करते हैं तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे ही और आपका टाइम वेस्ट होगा ही। तो क्यों ना हम डिसाइड करें कि हम कब रिलैक्स करेंगे और कब पढ़ाई करेंगे। उसी तरह जब आपने महीना भर पढ़ाई कर ली ढंग से, तो आप 1 दिन पूरा इन्जॉय कीजिए। हाँ, उसमें मेरा ये प्रिंसिपल ज़रूर रहेगा कि आप सुबह चाहे 10 मिनट पढ़ लीजिए और रात को 10 मिनट, ज़ीरो अंडा मत कीजिए कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है। उससे क्या है, वी आर ना क्रीचर्स ऑफ हैबिट। हम जो भी काम करते हैं वो कम ना हम काम बार बार करते हैं, जो भी हमारी हैबिट में होता है। जैसे अगर हमारी हैबिट है रेगुलर पढ़ने की, इतने बजे सोने की, इतने बजे जगने की, तो हैबिट फॉर्म में रहता है। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप ज़ीरो अंडा पढ़ें उस दिन, बट ये है कि अगर आपने पूरे महीने ढंग से पढ़ाई की है, हफ्ते में तो आपने हाफ ऑफ डे इन्जॉय किया ही और दिन में भी आपने 1-1 घंटा एंजॉय किया, लेकिन आप महीने में भी पूरा 1 दिन एंजॉय करेंगे जिसमें जिस दिन आपका जो मन करता है आप करें। आप महीने में डेढ़ डेढ़ दिन करना चाहते हैं, आप 1.5 दिन कर लीजिए। कहीं घूम के आना चाहते हैं घूम आइए, किसी से मिलना चाहते हैं मिल लीजिए, जो मन करता है आपका कर लीजिए। बिकॉज उससे क्या होगा, जो आपकी पढ़ाई है ना वो पॉजिटिव इमोशंस के साथ जुड़ी रहेगी और जो लॉन्ग टर्म रास्ता है वो भी जो है कंफर्टेबल हो जाएगा। और उसके बाद टारगेट्स और जो गोल्स हैं वो बड़े स्पेसिफिक और टाइम बाउंड होने चाहिए। कितने टाइम में ये काम हो जाएगा, इतने टाइम में ये काम हो जाएगा, इतने टाइम में ये काम हो जाएगा। क्योंकि हम ह्यूमंस जो हैं वो हमारी टेंडेंसी क्या होती है, जब भी रिसोर्सेज कम होते हैं हम उसका ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास पैसे कम होते हैं तो हम उसका ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास टाइम कम होता है तो हम उसका ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो खासकर नॉर्मली क्या होता है, डेट शीट आ गई, डेट शीट आ गई, तो जैसे ही डेट शीट आ गई सब कुछ बदल गया। क्या उससे पहले नहीं पता हमें एग्ज़ाम होने वाला है, उससे पहले ही पता है। तो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की निशानी ये होगी कि वो डेडलाइंस खुद ही क्रिएट करेगा और खुद ही डिसाइड करेगा कि जनवरी से मैंने पढ़ना है, मान लीजिए दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम है, तो जनवरी से मार्च तक क्या हो जाना चाहिए, क्वार्टरली क्या होना चाहिए, अगले 3 महीने में क्या होना चाहिए, फिर अगले 2 महीने में क्या होना चाहिए, आखिरी के 2 महीने में क्या होना चाहिए, आखिरी के महीने में क्या क्या होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी अगर हमें पता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्जॉय करना जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, जब आप 10th में जाएंगे तो आपको लगेगा मुझे साइंस मिल जाए, मुझे आर्ट्स मिल जाए या मुझे कॉमर्स मिल जाए। उसके बाद 12th में जाएंगे तो आपको लगेगा मुझे मेडिकल मिल जाए, इंजीनियरिंग मिल जाए, CA मिल जाए या बाकी जो फील्ड्स जिनकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो मुझे मिल जाए।
फिर ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाएगी, शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो उसमें क्या होता है, हम ना वेट ही करते रहते हैं लाइफ में, हम सेटल ही होते रहते हैं कि 10th के बाद सेटल हो जाएंगे, 12th के बाद सेटल हो जाएंगे, ग्रेजुएशन के बाद सेटल हो जाएंगे। अब जैसे अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूँ तो MBBS में जब सिलेक्शन होता है तो हमें 7th स्टार पर होना चाहिए, हम होते भी हैं 7th क्लाउड या जो भी माउंटेन जो भी है उस पर होना चाहिए, बट उसके बाद वो थोड़े दिनों में ही फीलिंग गायब हो जाती है, हमें लगता है कि अब तो ज़िंदगी में कुछ और भी करना पड़ेगा। और बाकी ब्रांचेस के साथ भी ऐसे ही होता होगा, चाहे वो BA हो, चाहे BTEC हो, या कोई भी और ब्रांच हो, उसके बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चले जाते हैं, हमें लगता है अब पोस्ट ग्रेजुएशन होगी अब तो ज़िंदगी बन जाएगी, उसके बाद हमें लगता है कि अब शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर उन आगे वो पढ़ेंगे एंड सो ऑन। तो ये ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है, हमें सीखना चाहिए कि आज ही कैसे इन्जॉय करना है, मूवमेंट ज़िंदगी है वो राइट नाउ है। अगर हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, उसके बाद रिजल्ट आने में अभी महीना है, तब भी कैसे इन्जॉय करना है, क्योंकि मुझे याद है कि हम ना बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते हैं। इवन मैंने जब MBBS हमारा एग्ज़ाम फाइनल था, नॉट एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, जब मैं सेलेक्ट हो गया, मेरे 4.5 साल MBBS के हो गए थे और हमारा फाइनल एग्ज़ाम था, तो मैं और मेरे दोस्त, हम 7-8 लोग पढ़ रहे थे बहुत अच्छे से, तो हम शिमला से, मैंने MBBS किया है तो हम खिड़की से बाहर हमें पहाड़ियाँ नज़र आती थी, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स हो या क्लासमेट्स हमारे साथ बात करते थे आपस में हम लोग, कि हम ना जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो हम इन पहाड़ियों पर चढ़ेंगे, हमने इन पहाड़ियों को ढंग से इन्जॉय नहीं किया, यहाँ 4.5 साल निकाल दिए, दिस एंड दैट। जब एग्ज़ाम ख़त्म हुए, मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम दोनों कुल्लू मनाली घूमने गए, और एक्चुअली हमने पहाड़ियाँ चढ़ी और रोहतांग पास, जिन लोगों को पता हो हम काफ़ी रास्ता तो पैदल ही चले गए थे मड़ी से लेके रोहतांग पास तक वॉकिंग। तो इसलिए आपको एक्चुअली वो कर लेना चाहिए, वो मूवमेंट मुझे आज भी याद है, शायद हम उस टाइम नहीं जाते तो हम भूल जाते हैं, बिकॉज जब हम परेशान होते हैं ना तो हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, जब रियल टाइम आता है एक्शन का तो हम एक्शन लेते नहीं हैं, बट कोशिश हमें करनी चाहिए कि हम उसको ना छोटा कर दें, छोटा इन द सेंस कि 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी हमारे पास आधा घंटा हो इन्जॉय करने के लिए, और रात को हम जब सोएं तो शांति से नहा धो के ढंग से आराम से खा पी के सोएं, एक हफ्ते के बाद हमें पता हो कि हाँ भैया इस हफ्ते तो मैंने, किसी को मूवी पसंद है तो वो मूवी देखने जाए, किसी को कुछ डांस वांस पसंद है, कुछ और पसंद है तो वो काम करने जाए, और महीना भर अगर ढंग से पढ़ाई कर लिया तो मैं तो ढंग से इन्जॉय करूँगा, 6 महीने ढंग से पढ़ाई कर लिया तो हम हो सकता है 4-5 दिन या 3-4 दिन का गैप भी अफोर्ड कर पाएँ, बट फिर भी मेरा वो हम्बल सजेशन रहेगा कि आप बीच में कुछ आधा आधा घंटा या 15-15 मिनट पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब भी आप इसको अप्लाई रखें, बिकॉज कई बार क्या होता है जैसे एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ रहे होते हैं वो हमें मिल भी जाता है, वो ब्रांच पर हमें मिल जाती है, क्योंकि ह्यूमन की क्या आदत है, अडैप्टिव रिस्पॉन्स। अडैप्टिव रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, ज़िंदगी में ना जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है या बुरा होने वाला होता है तो इंसानी फितरत है कि हम ना बहुत बड़ा सोचते हैं कि बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर कुछ अच्छा हो जाएगा, और बहुत ही बुरा हो जाएगा अगर कुछ बुरा हो जाएगा, लेकिन जब वो चीज़ ख़त्म हो जाती है फिर हमें उतना मज़ा नहीं आता है, तो हम ना हमें उतना मज़ा आता है और ना ही हमें उतना डर लगता है जितना एक्चुअली उस चीज़ से पहले डर लग रहा होता था। तो हम इसको अडैप्ट ना करें और अप्रिशिएट करते रहें अपने आप कि अगर हमने आज पढ़ाई की है तो हम खुद को अप्रिशिएट करें, क्योंकि अगर हम अपने बारे में ही पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, अच्छे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से पढ़ाई नहीं करेंगे, हम दुखी रहेंगे, जंक फूड खाएंगे, टाइम पे नहीं सोएंगे, टेंशन में रहेंगे, जेलस फील करेंगे, और इसमें ना कॉपरेशन भी बड़ा हेल्प करता है। कई बार तो स्टूडेंट्स इसलिए भी परेशान होते हैं कि दूसरे के नंबर ज़्यादा आ गए, मेरे कम आ गए, अरे आपको अपने नंबरों से लेने देना है, दूसरे के क्या है कितना है उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मेरा मेन पर्पज़ यही था इस वीडियो का कि आप जो हैं लाइफ को आज भी जिए, अगर आज आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तब भी आप 1 घंटा अपने लिए निकाल सकते हैं, हफ्ते में आधा दिन निकाल सकते हैं, महीने में 1 दिन निकाल सकते हैं, 5-6 महीने में 3-4 दिन भी निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे और एग्ज़ाम जब पास हो जाए और क्लियर हो जाए तो आप ज़रूर घूमने जाएं, ज़रूर वो इन्जॉय करें जो आपने चाहा था, जो आपने सोचा था, क्योंकि अदरवाइज़ लाइफ की मूवमेंट निकलती जाएंगी, आप हर खुशी को अडाप्ट करते जाएंगे और आपको वो मज़ा नहीं आएगा। बिकॉज एक सेइंग होती है जो फाइनेंशियल सक्सेसफुल इंसान जो है वॉरेन बफेट, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड एवर सीन, तो उसमें उनका कहना है कि नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज हैव ए बेटर लाइफ। इसका मतलब जैसे मैं जब छोटा था तो हमारे टाइम कूलर ही बहुत बड़ी बात होती थी, अब की जो जनरेशन है उसके लिए शायद AC भी नॉर्मल है। तो हमें क्या होता है, हमारी फितरत है कि लाइट जब तक है तब तक हम इन्जॉय नहीं करते, जब ज़िंदगी में लाइट चली जाती है तो AC बंद हो जाता है, तब हमें दुख ज़रूर होता है, बट अगर हम उस चीज़ को भी अप्रिशिएट कर पाएंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है और डेली बेसिस पे कर पाएंगे कि पंखा चल रहा है, अच्छे से AC की हवा आ रही है, हमने कई बार हम प्यासे होते हैं और हमें पानी मिल जाए तब भी हमें बड़ा मज़ा आता है, तो
आप लाइफ में प्रेजेंट रहें, या जिसको बोलते हैं माइंडफुल रहें या कॉन्शियस रहें, और हर मोमेंट को एंजॉय करें, तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो आज के लिए मेरे स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू।